नागौर के मकराना स्थित गीतांजलि बीएड कॉलेज पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आज अजमेर पहुंचकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात की और मांग की गई कि छात्र छात्राओं से अवैध वसूली करने वाले इस बीएड कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसे डिबार किया जाए। बीएड कॉलेज से आई छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उनके किट के नाम पर 3500 रुपये वसूल किए गए हैं और जब छात्र छात्राओं ने इसकी रसीद मांगी तो उन्हें किसी जयपुर की फर्म की रसीद थमा दी गई। विरोध करने पर कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की धमकी दी जा रही है। नतीजा आज छात्र छात्राएं अजमेर पहुंचे और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय प्रशासन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन के माध्यम से अपनी शिकायत दी। इस अवसर पर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष लोकेश गोदारा सहित मोहित जैन अन्य स्थानीय छात्र नेता भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन छात्र छात्राओं को आश्वस्त किया है कि इस मामले की जांच करवाकर यदि सत्यता निकली तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज विशेष सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, मकराना का गीतांजलि कॉलेज है जी, बीएड कॉलेज के अंदर वहाँ के बच्चों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। किट के नाम से 3500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो एक कोई जयपुर की कोई प्राइवेट फर्म है उसका बिल लिया जा रहा है, उसमें ना तो कॉलेज का नाम है ना कॉलेज की सील वगैरह है। जब बच्चों ने उनको इस बारे में शिकायत करी और पीटीटी की सूचना भी है कि मतलब जो कॉलेज वाले किट के नाम से कोई पैसा ले वो पैसे नहीं लेने हैं, इस उसके बावजूद भी कॉलेज वालों की वसूली की जा रही है। जब बच्चों ने इसकी मांग उठाई तो कॉलेज वाले ने कहा कि आपके सबके सेंटर कर देंगे, सेंटर चेंज कर देंगे, आपके ये कार्रवाई कर देंगे वो कार्रवाई। तो बच्चों ने हमसे संपर्क करके विशेष सर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, तो विशेष सर आज यहाँ नहीं मिले, तो चीफ प्रोक्टर और टेलर साहब और चौहान सर उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि बुधवार तक विजय सर आएंगे तो उसके खिलाफ कोई कमेटी बना के आगे की कार्रवाई करेंगे, यदि आगे की कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी। लोकेश है ये कॉलेज, ये कॉलेज है मकराना के अंदर, मकराना नागौर। ठीक है, आपका लोकेश गोदारा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष MDS यूनिवर्सिटी जी। हाँ, कहाँ से आए हैं? और हम बोराउट से आए हैं, गीतांजलि बीएड कॉलेज मकराना से। किस तरीके की परेशानी आ रही है? हमारे किट के नाम से 3500 रुपये ले लिए गए हैं हमसे जी, इसलिए हम जो अवैध है, हमने वो पोर्टल पर देखा है कॉलेज वालों के, उन पर लिखा हुआ है ये अवैध है, इसलिए हम यहाँ पर आए। उन्होंने हमने मांगने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया, हमें बोल रहे हैं सेंटर चेंज कर देंगे जी। डायरेक्टर सर है लाल मोहम्मद सर, वो यहाँ पर नहीं है, वो एक दिन तो थे यहाँ पर और वापस चले गए, और उनकी मैडम मेमुना मैडम, उन्होंने उन्हें हमें बोला है कि जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाओ। कितने टीचर हैं आज की तारीख में? 5 टीचर हैं हमारे, जबकि 40 होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 5 टीचर हैं, 50 स्टूडेंट आते हैं 200 में से जी। आज क्या किया इसको लेकर? आज तो पता नहीं, बोल रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। हाँ, वीसी से मिले? नहीं मिले, नहीं नहीं मिले, उनसे नहीं मिले। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम पूजा छरंग है।